हेलो गाइस यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जी क्लासेस सो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो वीकली सेवन सीरीज का पार्ट फोर या लेक्चर फोर है तो आज जो है हम वो देखेंगे एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट तो आइए देखते हैं सेवन एंटोनिम्स दिस वीक सबसे पहला वर्ड है टिमिड ये एक एजेक्टिव है ओके इसका मतलब होता है ईजली फ्राइटेंड शाए और नर्वस मतलब कि डरपोक या बुजदिल बहुत ही जल्दी मतलब डर जाना किसी भी चीज को लेकर जैसे एग्जाम्पल है अब्दुलज टिमिड बॉय अब्दुल अब्दुल एक डरपोक लड़का है टिमिड कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं इसका एंटोनिम्स क्या है ठीक है ऑपोजिट ओडास बोल्ड और डेरिंग मतलब डरपोक नहीं पूरे हिम्मत के साथ आप काम कर रहे हो कोई डर नहीं है वहां पे नेक्स्ट वर्ड है एडमंड एडेमेंट ये भी ये एक एजेक्टिव है इसका मतलब होता है अड़ियल कठोर सख्त रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड आपने जो सोच लिया वही होगा मतलब अपनी बातों पर अड़ जाना या फिर वेरी डिटरमेंट बहुत ही ज़्यादा डिटरमेंट सख्त रहना अपने चीज़ को लेकर जैसे एग्जाम्पल क्या है द चीफ मिनिस्टर इज डि एज एडेमेंट दैट ही विल नॉट रिजाइन चीफ मिनिस्टर बहुत अड़ियल है बहुत ज़िद पर है कि वो इस्तीफा नहीं देगा नेक्स्ट है ही बेग्ड मी टू चेंज माई माइंड बट आई रिमेन्ड एडम उसने गिर कि मैं अपने, अपने अपने डिसीजन को बदल लूं लेकिन मैं सख्त रही मतलब मैं अड़ी रही अपने डिसीजन पे लेकर एंटोनिम्स एग्रीएबल प्लाबल मतलब ईजिली आप अपने माइंड को चेंज कर रहे हो कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप जिद नहीं कर रहे ओके इट्स फाइन सॉफ्ट नेक्स्ट वर्ड है acrimonious ये भी एक एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है तीखा या कटु गुस्सा एंग्री एंड बिटर गुस्सा भी हो और इसमें बहुत ज्यादा तीखापन भी हो जैसे एग्जांपल क्या होगा द डिबेट वाज एक्रीमोनियस डिबेट बहुत ही तीखा और कटु था ही हैड एन एक्रीमोनियस क्वारल विद हिज नेबर उसका अपने पड़ोस से बहुत ही तीखा और गुस्सा भरा झगड़ा हुआ इंटर्नियम से अनबिटर मतलब एंग्री बिटर ना हो के अनबिटर सॉफ्ट रहना तीखापन नहीं दिखाना मिठास के जैसा हम समझ सकते हैं नेक्स्ट वर्ड है कोट ये एक वर्ब है ओके okay? कोट को मतलब है किसी चीज का हवाला देना या फिर उदाहरण करने अगर आपने कोई कुछ लिखा है और अगर आप उसमें किसी ऑथर की कोटेशन या उसके किसी वर्क को वहां पे यूज कर रहे हो तो आप उसको क्रेडिट दोगे उस इंसान को कि आपने ये चीज़ वहां से ली है इट्स लाइक विथ क्रेडिट एक्नोलेजमेंट आप उसको एक्नोलेज कर रहे हो ओके टू स्पीक अ राइट फ्रॉम अनदर विथ क्रेडिट एक्नोलेजमेंट वहां पे आप एक्नोलेज कर रहे हो कि आपने कहाँ से लिया जैसे एग्जाम्पल है शी कोटेड गांधी इन हर बुक रिव्यू उसने अपने बुक रिव्यू में गांधी का हवाला दिया उसने कुछ गांधी के काम को वहां पे कोट किया होगा राम कोटेड द रेफरेंस विथ रिप्लाइंग राम ने जब जवाब दिया तो उसने जो हवाला दिया वो रेफरेंस के साथ दिया ओके से डिसरिगार्ड कि आप उसके डिसनोलेज नहीं कर रहे हो क्रेडिट नहीं दे रहे हो ऐसे में इसको प्लेजरिज्म बहुत ही फेमस है रिसर्च एरिया में कि आप किसी भी चीज़ को प्लेजराइज नहीं कर सकते अगर जिसका वो चीज़ है आप उसको ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है नेबुलस ये एक एजेक्टिव है इसका मतलब होता है अस्पष्ट धुंधला कुछ भी क्लियर नहीं है बहुत ही ज़्यादा वेग अनफिक्स्ड नॉट क्लियरली डिफाइंड जैसे एग्जांपल आइडियाज ऑफ फेयरनेस इन टैक्सेशन आर जनरली नेबुलस जब जो टैक्स में जो हम फेयरनेस के आइडियाज़ की बात करते हैं वो जनरली अक्सर बहुत ही अस्पष्ट होता है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे फेयरनेस है या भी नहीं म्यूजिक इज वेरी नेबुलस इन नेचर संगीत बहुत ही धुंधला अस्पष्ट है अपने नेचर में मतलब अपने प्रकृति में अगर आप म्यूजिक की नेचर की बात कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा नेबुलस है अस्पष्ट क्लियर नहीं है वो किस रिदम में जा रहा है फ्लो में जा रहा है तो उस तरीके की चीज है एंटोनिम्स क्या है इसका जस्ट ऑपोजिट ऑब्वियस मतलब पूरा क्लियर एकदम कंप्लीटली स्पष्ट नॉन एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट ना होना वेग ना होना नेक्स्ट सिक्स्थ वर्ड है बुरिश ये भी एक एजेक्टिव है इसका मतलब होता है असब बेअदब या फिर इल मैनर्ड वेरी अनप्लेसेंट और रूड ओके okay? एग्जांपल गौरव इज बुरिश इन नेचर गौरव अपने नेचर में असब है बेअदब है गौरव अपने नेचर में बेअदब है शी दीपक वेरी उसको दीपक बहुत ही ज्यादा असब या इल या बेअदब लगा इसका एंटोनिम से रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही अदब के साथ बिल्कुल ही चीजों को समझते हुए सभ्यता के साथ काम करना तो इसका एंटोनिम्स ये है लास्ट और सेवेंथ वर्ड है डियर्थ ये एक नाउन है इसका मतलब होता है कमी अपर्याप्त एक्यूट इनसफिशिएंसी और क्राइसिस इन क्वांटिटी ओके किसी चीज की कमी हो जाना जैसे कि एग्जांपल देर इज अ डियर्थ ऑफ अनियंस इन द मार्केट मार्केट बाजार में प्याज की कमी है नेक्स्ट देर इज अ डियर्थ ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स शोध करने वाले जो स्कॉलर्स हैं शोध कर, करता स्कॉलर्स की कमी है एंटोनिम्स एवेंडेंस मतलब बहुत मात्रा में सेम है सरफेक्ट सरप्लस ही सरप्लस बहुत ज़्यादा चीज है तो ये था आज का आ, सेवन एंटोनिम्स दिस वीक का वीकली सेवन की सीरीज का तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच